Very good evening, everyone. I welcome you all to today's session. And today's session is again a very important topic that we are going to discuss. And the name of the topic is Models of Consumer Behavior, which is the most important topic from your subject of marketing. So marketing ऐसे तो बहुत आसान लगता है लोगों की सर ये तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है बट वेन इट कम्स टू मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इट बिकम्स क्वाइट टिपिकल इट बिकम्स क्वाइट चैलेंजिंग तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल जल्दी से मुझे बता दीजिए वेदर आई एम प्रॉपरली ऑडिबल और नॉट और एक छोटी सी चीज़ के लिए आपकी राय दोबारा लेना चाहूँगा आपके फीडबैक्स लेना चाहूँगा बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो ये सेशन मैं कंडक्ट करता हूँ उसमें आपके फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कॉल्ड मी एंड सेड कि सर थोड़ा सा बोर हो जाते हैं हम टॉपिक्स पढ़ते हुए आई डोंट नो व्हाई ऑब्जेक्टिव तो मेरा अच्छा ही था बट दे मेंशन कि सर क्वेश्चंस करा दीजिए टॉपिक मत कराइए सो आई एम स्टिल थिंकिंग आई एम स्टिल गोना टेक योर कॉमेंट्स कि क्या ज़्यादा कॉमेंट्स आते हैं एंड अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू प्लान कि क्या हमें सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं इफ वी हैव वी आर गोइंग टू फोकस ओनली ऑन क्वेश्चंस नॉट ऑन द टॉपिक्स अदरवाइज व्हाट आई एम गोइंग टू डू आई एम गोइंग टू टेक अप ओनली द क्वेश्चंस क्वेश्चंस का नंबर क्या रखना है वो डिस्कस कर लेंगे बट इफ दैट लुक्स मच बेटर देन आई एम सर्टनली गोइंग टू स्टॉप दिस मेथड टॉपिक बंद कर दूंगा मैं एंड आई एम गोइंग टू फोकस मोर ऑन द क्वेश्चंस तो जो भी आपका फीडबैक है वो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्लैड टू सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स देयर अरुणा इशिका सुषमा अंशु रमन नफीजा एंड ऑल अदर्स एंड इट्स वेरी गुड टू सी कि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर लिया है दे हैव स्टार्टेड देयर रिसर्च जर्नी यस्टरडे ओनली आई सी सॉ रमन डूइंग वंडरफुल सो कीप इट अप रमन ऑल माई बेस्ट विशेज विथ यू नाउ यू हैव बिकम एन इंडिपेंडेंट A learner once you have qualified NET GRF and I wish you all the luck in your wonderful journey in research ahead. ठीक है So please जल्दी से मुझे एक बार comment section में comment करके बता दीजिए Do you want topic plus questions or do you only want question? Because देखिए बहुत simple सी चीज मैं आपको बताता हूँ अगर मैं sessions में इतना time लगाता हूँ let me first tell you कि questions बनाने आसान है मेरे लिए It becomes much more easy for anyone क्योंकि मैं तो चलो questions create करता हूँ बट बहुत सारे लोग हैं जो past year ही उठा लेते हैं ठीक है तो क्वेश्चन बना के करवाना इज अ मच मोर इजियर थिंग टू डू तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉपिक अगर स्टूडेंट्स को पसंद आ रहा है दे आर कमिंग दे आर वॉचिंग दे आर गिविंग द फीडबैक तब तो फायदा है टॉपिक कराने का अगर आपको पसंद नहीं आ रहा आपको लग रहा है सर टॉपिक में टाइम वेस्ट हो रहा है या क्यों टॉपिक करा रहे हो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा दो क्योंकि काफी सारे कहते हैं सर बाकी चैनल पे तो लोग 15 क्वेश्चन करा रहे हैं 20 क्वेश्चन करा रहे हैं आप सर टॉपिक करा रहे हो तो माई आइडिया इज टू गो विद द मेजोरिटी मेजोरिटी स्टूडेंट्स जो कहेंगे वो कवर कर लेंगे बट आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए वीडियो को सब्सक्राइब करिए चैनल को बिकॉज अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर मुझे ऐसा ही लगेगा कि वाई आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स मैं ही एफर्ट्स लगाता रहता हूँ आप ही एफर्ट्स नहीं लगाएंगे आप कहीं से सपोर्ट नहीं करेंगे अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे नहीं सब्सक्राइब करने के लिए आपके फ्रेंड्स आके देखेंगे नहीं तो फिर क्या फायदा इतनी मेहनत करने का दैट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक ठीक है और पहला पोर्शन तो ये हो गया बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट सेकेंड अगर स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर आप क्वेश्चन लगा दीजिए ज्यादा स्टूडेंट्स कहेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इफ आर सेइंग कि सर क्वेश्चन ही करवा दीजिए 10 क्वेश्चन करवा दीजिए 20 क्वेश्चन करा दीजिए ऑफकोर्स सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं उसके अंदर भी एक्सप्लेन करूंगा बट अगर ज्यादा मेजॉरिटी उस टाइप के स्टूडेंट्स की है देन आई फील कि देयर इज नो पॉइंट टेकिंग टॉपिक एंड देन क्वेश्चन देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है लेट मी सी व्हाट आर द रिस्पॉन्स कमिंग और देखिए सिर्फ रिस्पॉन्स से काम नहीं चलता है थोड़ा सा एफर्ट ये भी मानना पड़ता है कि स्टूडेंट्स को बोला जाए आप अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि सर टॉपिक भी करा रहे हैं उसके बाद क्वेश्चन करा रहे हैं तो भाई आके क्यों नहीं देखते क्वेश्चन से क्या एग्जाम निकल जाएंगे क्या सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से तो दैट शुड ऑल्सो बी द अप्रोच देखता हूं क्या यहां पे क्या रिस्पॉन्स आ रहे हैं बिकॉज आई स्पोक टू फ्यू पीपल यस्टरडे इशिका इज सेइंग टॉपिक इन क्वेश्चन हिमानिक इज सेइंग टॉपिक फर्स्ट अरुणा इज सेइंग भाई इतने सारे जब सब लोग टॉपिक इन क्वेश्चन बोल रहे हो साक्षी देखिए क्वेश्चन नंबर मैं बढ़ा दूंगा ऑलरेडी एक एक घंटे का सेशन हो रहा है एक घंटे 25 मिनट 40 मिनट के बाद वैसे ही जो कंसंट्रेशन पावर होती है वो खत्म हो जाती है जब बाद में एक बार टॉपिक्स कवर कर लूंगा तो मैं आऊंगा ही क्वेश्चंस पे आपको याद है पिछले बैच में मैंने 50-50 क्वेश्चन कराए एक घंटे के अंदर तो क्वेश्चन तो बाद में मैं कराऊंगा ही मैं अभी भी स्टार्ट कर सकता हूँ मेरा ऑब्जेक्टिव यही था ना टॉपिक पहले कराने का उसमें एफर्ट लगाने का कि आपको टॉपिक की क्लैरिटी दे सकूं ठीक है एनीवेज अगर यहाँ पे मेजॉरिटी लोग कह रहे हैं तो इट्स गुड ठीक है अच्छी बात है मैं पहले टॉपिक ही करा दूंगा लेट्स मूव अहेड चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं लेट्स बिगिन टुडे आई एम श्योर आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल तो जल्दी से आज का सेशन शुरू करते हैं मैं आपको बता दूं दैट व्हाट आर दीज मॉडल्स ऑल अबाउट दीज मॉडल्स एक्चुअली टेल अस कि कंज्यूमर बिहेव कैसे करता है ठीक है एक और चीज बता दूं कि हमने अपनी नई एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है तो उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है प्लीज उसे ज्वाइन जरूर करिएगा बिकॉज ये जो जितने भी सेशन हो रहे हैं
इसकी जो फ्री पीडीएफ है, फ्री पीडीएफ में बोल रहा हूँ, ये जो एग्जैक्ट पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी, तो आपको साथ में नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आपकी वो भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी है, ठीक है। वी आर ऑल्सो सॉल्विंग दैट, ताकि आपको नोट करने की जरूरत ना पड़े, आप पूरा फोकस अपना समझने पे लगाइए और उसके बाद आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, चलो देखते हैं। रमन इज सेइंग समथिंग, दिस टाइम वी हैव सीन दैट इवन आफ्टर प्रिपेयरिंग विद पास्ट इयर्स एंड बेसिक नॉलेज वी वर एबल टू क्लियर नेट ओनली, वी हैव रियलाइज्ड दैट प्रिपेयरिंग वन स्टेप अहेड इट विल हेल्प अस क्लियरिंग इंटरव्यू एज वेल। एब्सोल्युटली रमन, देखिए बिल्कुल आप, मैं आपकी पूरी बात से सहमत कर हूँ, लेकिन होता क्या है कि मैं कितना भी बच्चों को समझा लूँ, उन्हें सिर्फ क्वेश्चन ही लगाने, उन्हें बस फट्टे मार के जाना है, उन्हें मेहनत करनी ही नहीं है, उन्हें चाहिए कि सर क्वेश्चन करवा दीजिए, वही एग्जाम में आ जाएंगे, उससे नेट जीआरएफ क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं तो सिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर जब स्टूडेंट्स नहीं देखते, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड नहीं करते, वॉट कैन आई डू, आई हैव टू मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन। एनी वेज, चलिए लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट मॉडल फॉर टूडे, आज का पहला मॉडल देखते हैं। द फर्स्ट मॉडल इज इकोनॉमिक मॉडल, एंड द इकोनॉमिक मॉडल इज नथिंग एग्जैक्टली वॉट यू हैव रेड इन योर इकोनॉमिक्स। कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर वही कंसेप्ट यहाँ पे लगा हुआ है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सिंपल सा क्या मतलब है कि एक कंज्यूमर प्रोडक्ट को कंज्यूम करता रहेगा, प्रोडक्ट को डिमांड करता रहेगा, और वो किस जगह जाके रुकेगा, व्हेन ही इज गोना स्टॉप, व्हेन ही इज गोना पुट होल्ड टू इट, जब उसकी जो यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इट्स गोइंग टू बिकम मैक्सिमम, ठीक है। जब वो यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी, जब उसको लगेगा कि भाई मेरा पूरा सेटिस्फैक्शन हो गया, देन ही इज गोइंग टू एक्चुअली स्टॉप। तो यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर क्या कह रहा है कि आप कंज्यूमर बिहेवियर को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपलिस्टिक काइंड ऑफ अप्रोच है कि आप सिर्फ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बेसिस पे कंज्यूमर का बिहेवियर जज कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑफकोर्स यहाँ पे तीन एलिमेंट्स है, फर्स्ट इज योर प्राइस इफेक्ट, जो कि इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है, अगर प्राइस ज्यादा होगा तो कंज्यूमर कम डिमांड करेगा एंड वाइस वर्सा, वेरी सिंपलिस्टिक। सेकेंड वन इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, लेसर द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट then lesser will be the utility of the original product bought. Of course, सी बात है, आप खुद सोचिए, अगर मैं आपको कहूं कि भाई एप्पल का जो फोन है उसके सारे फीचर्स माइक्रोमैक्स के फोन में है, या फिर सैमसंग के फोन में है जो उससे सस्ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग एप्पल को जाके परचेज करेंगे, बट देन ऑल्सो देर गोइंग टू बी अ गुड नंबर ऑफ पीपल, एक अच्छे नंबर ऑफ पीपल होंगे, काफी अच्छा प्रपोर्शन ऑफ पीपल होगा हु आर गोइंग टू परचेज सैमसंग बिकॉज प्रोबब्ली दे कैन नॉट अफोर्ड इट, ठीक है। सो देयरफॉर दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक मॉडल। तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। थर्ड एलिमेंट है इकोनॉमिक इनकम इफेक्ट, विच क्लियरली सेज कि अगर आपके पास पैसे ज्यादा होंगे, अगर आपके पास इनकम ज्यादा होगी, देन सर्टेनली यू विल बी एबल टू अफोर्ड इट, अदरवाइज आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और आप प्रोडक्ट का कंजम्पशन कम करेंगे, प्रोडक्ट को कम डिमांड करेंगे, ठीक है। वेरी सिंपलिस्टिक मॉडल बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्वेश्चन हर तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ दिस मॉडल। मेजर क्रिटिसिज्म इस मॉडल का क्या है, मैं आपको बहुत सीधे शब्दों में बताऊं, इसका मेजॉरिटी क्रिटिसिज्म ये है दैट दिस इज एन ओवर सिंपलिस्टिक मॉडल, ठीक है। पहला डिमेरिट तो इसका ये है दैट दिस इज ओवर सिंपलिस्टिक मॉडल। सेकेंड इसका इंपॉर्टेंट डिमेरिट क्या है स्टूडेंट्स, जो कि आपको समझना जरूरी है, दैट इट इज लूजिंग आउट ऑन द बिहेवियरल एस्पेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने सिर्फ इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझ लिया, बट कंज्यूमर बिहेवियर सिर्फ इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चलता है, उसमें परसेप्शन पर्सनालिटी भी बहुत मैटर करती है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे कंज्यूमर होंगे, वो जो कहेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर फीचर्स सैमसंग में हमें मिल भी रहा है तब भी हमें तो जी टशन मारना है, हमें तो लोगों के सामने दिखावा करना है, सोशल क्लास है, स्टेटस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम तो आईफोन लेंगे, ठीक है। कुछ गलत नहीं है उसमें, पहले तो मैं आपको बता दूं, प्लीज ये मत कहना कि सर इसमें क्या गलत बात है, बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट इकोनॉमिक मॉडल इज क्रिटिसाइज्ड ऑन दीज लाइंस, कि जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट वॉज आवर इकोनॉमिक मॉडल, पहला मॉडल, आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं, सेकेंड मॉडल है हमारा साइकोलॉजिकल मॉडल, विच इज नथिंग बट योर मास्लोज मॉडल। ये पूरा का पूरा जो है ये मास्लोज मॉडल पे बेस्ड है। दिस इज द रीजन वाई वी हैव कवर्ड द टॉपिक ऑफ मोटिवेशन यस्टरडे, ताकि उसके बाद आपको समझ में है, तो मैं वो भी प्लान करके चल रहा हूँ, प्लीज ध्यान रखिएगा, मैं उसको भी प्लान करके चल रहा हूँ कि पैरेलली उसको मैं लेके चलूँ, ताकि आपके सारे टॉपिक्स कवर होते चले। नेक्स्ट आने वाले सेशन में, नेक्स्ट वीक में हम मोटिवेशन के जो प्रोसेस थ्योरीज रह गई हैं वो भी कवर करेंगे, तो प्लीज मिस मत करिएगा। साइकोलॉजिकल मॉडल क्या कहता था कि जो इंसान है वो नीड बेस्ड हायरार्की फॉलो करता है, ठीक है। जैसे जैसी उसकी नीड्स होती हैं वैसे वैसे वो प्रोडक्ट को डिमांड करता है, वैसे वैसे वो प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, एंड अकॉर्डिंगली ही गोज अप। तो एक बार उसकी जब फिजियोलॉजिकल नीड की रिक्वायरमेंट होती है, लेट्स से फूड, ठीक है, उसको फूड चाहिए तो वो फूड डिमांड करेगा। एक बार उसके फूड की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी तो वो सेफ्टी नीड्स डिमांड करेगा, ठीक है। देन बिलोंगिंगनेस, मतलब लोगों के साथ एक ग्रुप से अटैच होने के लिए, लेट्स से आपको ऐसा लगता है कि आपके जो ऑफिस के कलीग्स हैं उन सबके पास एटलीस्ट 20,000 रुपए का फोन है,
और आपको लगता है यार मेरे पास तो सिर्फ 8,000 रुपए का ही फोन है, ठीक है, इन ऑर्डर टू बिलोंग टू दिस ग्रुप एफिलिएशन, एफिलिएशन में जाने के लिए, चालिनी देखिए प्राइस और सब्स्टिट्यूट को अभी बीच में मत लाइए, ये कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से है, सिंपल सी चीज है कि अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम है, ठीक है, तो आपकी जो ओरिजिनल प्रोडक्ट की यूटिलिटी है वो कम हो जाएगी, दैट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। इफ प्राइस इज लेस देन इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रोडक्ट, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्या प्रॉब्लम है, मतलब आपको रिलेटिव प्राइस वहां देखना होता है, यू हैव टू लुक इनटू द रिलेटिव प्राइस, दोनों के आपस के प्राइस कंपेयर करेंगे और जो पहला प्राइस इफेक्ट है वो ओन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है, दोनों कंसेप्ट अलग अलग है, दोनों को मर्ज मत करिए प्लीज। एक रिलेटिव प्राइस है जब आप ओरिजिनल प्रोडक्ट और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के प्राइस को कंपेयर करते हैं, और प्राइस इफेक्ट जो है दैट इज बेसिकली जब हम इनिशियली बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एन ओवरऑल एस्पेक्ट कि इन जनरल अगर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ज्यादा है तो कंजम्पशन कम होगी एंड वाइस वर्सा, ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर शालिनी। तो सिमिलरली जैसे ऐसी आपकी एक नीड फुलफिल होती जाएगी, उस नीड को छोड़ के आप दूसरी नीड पे जाके डिमांड करने लगेंगे, दैट इज द बेसिक प्रीमाइस ऑफ साइकोलॉजिकल मॉडल। मास्लो का मॉडल याद रखिएगा, ये एलिमेंट ऑटोमेटिकली याद रहेगा, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। नाउ द थर्ड मॉडल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल इज ब्लैक बॉक्स मॉडल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्लैक बॉक्स मॉडल, इसको मैं बता दूं आपको इनपुट आउटपुट मॉडल भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज इनपुट आउटपुट प्रोसेस मॉडल, प्लीज नाम ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जामिनर जो होता है क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछ लेता है, तो द अदर मॉडल दैट इज नोन एज इनपुट आउटपुट प्रोसेस मॉडल। अब यहाँ पे सिंपल क्या होता है, ये कहते हैं यार कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनको हम स्टिमुलाई कहते हैं, जो आपको स्टिमुलेट करते हैं परचेज करने के लिए, ठीक है, वो आपको पुश करेंगे, दे आर गोइंग टू स्टिमुलेट यू टू परचेज द प्रोडक्ट। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, लेट से आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ अगर, या कजन्स के साथ, या सिबलिंग्स के साथ, या छोटे बच्चों के साथ बेसिकली कभी भी आप मॉल गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि जहां भी टॉयज रखे होते हैं, जहां भी खिलौने रखे होते हैं, वो एलिमेंट उनको अट्रैक्ट करता है, ठीक है, ये एक टाइप की री इन्फोर्समेंट थ्योरी हो सकती है। या आपने हमेशा एक और चीज नोटिस की हो कि जब आप बिग बाजार वगैरह में जाते हैं तो ये जो खिलौने वाली चीजें होती हैं ये कभी भी ऊपर की शेल्फ में नहीं रखी जाती, नीचे की शेल्फ में रखी जाती, दिस इज अगेन अ मार्केटिंग टैक्टिक। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जब बच्चे ऊपर तो देख नहीं सकते, उनकी हाइटें कम है, ठीक है, दे हैव लो हाइट, ठीक है, तो ऑफकोर्स ही बात है कि जब वो ऊपर देखेंगे, व्हेन दे आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड, जब वो हाइट पे देखेंगे तो उनको प्रोडक्ट नहीं दिखेगा, तो उनको एक्सेसिबिलिटी देने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए, इट इज प्रोवाइडेड इन द लोअर शेल्फ, लोअर स्टैक्स में रखा जाता है, दैट इज अगेन अ काइंड ऑफ एन एक्सटर्नल स्टिमुलेट। तो बेसिकली कुछ मार्केट रिलेटेड एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो सकते हैं, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन, जो कि 4 P's ऑफ मार्केटिंग है, या फिर कुछ इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई हो सकते हैं जो बेसिकली कुछ नहीं है, पेस्टल है आपका, ठीक है, इकोनॉमिक, लेट से कि इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऐसा आ रहा है, आपको लगता है कि यार फ्यूचर में डिप्रेशन होने के चांसेस है, तो आप क्या करते हैं, सारी चीजें होल्ड करने लगते हैं, स्टॉक करने लगते हैं। जब कोविड का टाइम आया था तो हमने क्या किया था, काफी सारे स्टॉक्स अपने पास उठा के अपने पास रखने शुरू कर दिए, ठीक है, सो दीज आर गोइंग टू बी द स्टिमुलाई और एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है, जिसको आप प्री परचेज बिहेवियर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी द ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स है क्या, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ब्लैक बॉक्स और कुछ नहीं, आपका दिमाग है, दिस इज योर ब्लैक बॉक्स, ठीक है, माइंड, योर माइंड इज योर ब्लैक बॉक्स। माइंड में क्या होगा, देयर गोइंग टू बी सम इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है, जैसे कि आपके रिलेशनशिप हो गए, ठीक है, अदर फैक्टर्स हो गए, मतलब वो सारे फैक्टर्स जो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं इंटरनली, ठीक है, नॉट एक्सटर्नल बट इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है, लाइफ स्टाइल हो गया, परसेप्शन हो गया आपका, मोटिव हो गया, नॉलेज हो गया, सारी चीजें जो आपकी इंटरनली है विद इन यू, दीज आर गोइंग टू कॉज एन इम्पैक्ट फॉर यू, और इसके बेसिस पे आप क्या करेंगे, आप डिसीजन मेकिंग लेने की कोशिश करेंगे। अब डिसीजन मेकिंग के लिए आपका सिंपल सा वो जो कंज्यूमर बिहेवियर का प्रोसेस है दैट इज गोइंग टू बी फॉलोड, एब्सोल्युटली, वो बिल्कुल। नेहा इज सेइंग पीपीटी इज नॉट क्लियर, आई डोंट नो, इज इट नॉट क्लियर टू एवरीवन और इज इट जस्ट नॉट क्लियर टू नेहा, आई डोंट नो, मुझे तो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, आई एम स्टिल रीडिंग इट आउट। तो बीच वाला जो सेगमेंट है दैट इज द ब्लैक बॉक्स और द माइंड दैट वी टॉकिंग अबाउट, ठीक है। द नेक्स्ट एलिमेंट इज योर पोस्ट परचेज बिहेवियर। देखिए पहले स्टिमुलाई आ गया, देन आपके बिहेवियर इंटरनल फैक्टर्स आ गए, एंड फाइनली इट्स गोइंग टू बी द रिस्पॉन्स या फिर परचेज या फिर पोस्ट परचेज बिहेवियर के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है, कि फाइनली हाउ यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्स, आइदर यू आर गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट, आपको हो सकता है परचेज करने का मन करे, यू माइट फील कि यार प्रोडक्ट अच्छा है, लेट्स परचेज इट, और यू माइट नॉट परचेज, ठीक है। तो बेसिकली ये एक ब्लैक बॉक्स मॉडल है, इसको इनपुट आउटपुट मॉडल कहते हैं, और तीन कैटेगरीज में ये बटा हुआ है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप द ब्लैक बॉक्स मॉडल क्लियर, प्लीज रिमेंबर इट इज ऑल्सो नोन एज इनपुट आउटपुट प्रोसेस मॉडल। कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर एग्जाम में इनपुट आउटपुट प्रोसेस मॉडल पूछ लिया। हिमानी सिंह नॉट क्लियरली विजिबल, हिमानी कोई बात नहीं, मैं टेलीग्राम पे PDF डाल दूंगा, वहां चेक कर लीजिएगा, वहां तो आई थिंक क्लियर दिख रहा था,
आई डोंट नो, देयर माइट बी सम इशू. लेट्स मूव टू द फोर्थ एलिमेंट, चौथे पे चलते हैं, चौथे मॉडल पे चलते हैं, एंड टुडेज लास्ट मॉडल. ओके, किरणदीप इज सेइंग इट्स लिटिल ब्लर. ठीक है, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम पे अच्छे से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है. लास्ट इन द फोरमोस्ट मॉडल इज योर सोशियोलॉजिकल मॉडल. देखिए, जैसे ही सोशियो वर्ड आता है ना, सोशियोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस है, आधी चीजें वही सॉल्व कर देती है. सोशियोलॉजी का सिंपल सा क्या मतलब है, दैट इट इज मेजरली रिलेटेड टू योर सोसाइटी. कई बार क्या होता है कि हम प्रोडक्ट नहीं परचेज करना चाहते, ठीक है, बट सोसाइटी हमारे ऊपर एक इन्फोर्समेंट कर देती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कार्स के बारे में बात करें, ठीक है, देयर माइट बी पीपल हु माइट नॉट बी विलिंग टू परचेज कार. उनका नहीं मन है भाई कार लेने का, उनको स्कूटी में मजा आता है या उनको बाइक में मजा आता है, ठीक है, या उनको कार लेनी है लेकिन छोटी वाली लेनी है. बट ड्यू टू सोसाइटल प्रेशर, ड्यू टू रिलेटिव्स प्रेशर, ड्यू टू पीयर प्रेशर, ड्यू टू इंटरेक्शन, आपको सुनना पड़ता है सोसाइटी को, आपको आपके पेरेंट्स को सुनना पड़ता है, एंड देयरफॉर यू विल बी फोर्स्ड टू परचेज अ प्रोडक्ट. ठीक है, आपको प्रोडक्ट परचेज करना पड़ता है. तो सिंपल सा मतलब क्या है, सोशियोलॉजिकल मॉडल इज अ वेरी सिंपल मॉडल. वो ये कहता है कि कई बार जो कंज्यूमर का बिहेवियर होता है वो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक मॉडल, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ इट्स ओन हिज ओन साइकोलॉजी, बट इट इज बिकॉज ऑफ द सोशियो प्रेशर और सोशियोलॉजिकल प्रेशर, प्रेशर जिसकी वजह से उसको प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है. एक इंटरेक्शन भी हो सकता है, लेट से यू हैव जस्ट गॉट इनटू अ न्यू जॉब, आपने कहीं नई जॉब शुरू करी है, अब वहां पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना वो गाड़ी से आते हैं, यार तू गाड़ी से क्यों नहीं आता, गाड़ी से आएगा. ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स आर गोइंग टू बी द एलिमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल फैक्टर. ठीक है, आई होप ऑल द फोर मॉडल्स आर एब्सोल्युटली क्लियर. चार मॉडल्स हमने डिस्कस किए, चारों मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इकोनॉमिक मॉडल, साइकोलॉजिकल मॉडल, द ब्लैक बॉक्स मॉडल एंड द सोशियोलॉजिकल मॉडल. तो ये चार मॉडल हमने डिस्कस कर लिए हैं. इफ ऑल द फोर मॉडल्स आर क्लियर, प्लीज गिव मी अ थम्स अप, और अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए. इफ यू गिव मी अ थम्स अप, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, एल्स वील मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चंस. नाउ क्वेश्चंस पे चलते हैं, assertion reasoning question है, तो प्लीज ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा. प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ ऑल द फोर मॉडल्स आर क्लियर. चार मॉडल्स अगर आपको क्लियर हैं तो जल्दी से मुझे बताइए, सो दैट वी कैन मूव अहेड विद द क्वेश्चंस. चलो, आई बिलीव इट्स ऑल क्लियर, तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन. आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं. प्लीज बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, वरना क्वेश्चन गलत होने के 100% संभावनाएं हैं, क्योंकि ये आपके पास्ट ईयर के रटे रटाए क्वेश्चन नहीं है. मुझे बहुत अच्छी चीज सीखने मिली है मेरे 4-5 साल की टीचिंग में, कि आप कितनी भी कोशिश कर लो बच्चे पास्ट ईयर लगा ही लेते कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से. या फिर मेंटर्स का भी ऐसे है कि यार काम आसान करना है तो क्या करते हैं, पास्ट ईयर से पेपर उठा लेते हैं, काम खत्म. कितना टाइम लगेगा सेशन बनाने में, और बच्चों को देखना भी वही है, कौन पढ़ना चाहता है, मेहनत कौन करना चाहता है, कंफर्ट जोन से बाहर कौन आना चाहता है. तो इसीलिए तो अब मैंने क्या सीख लिया है कि भाई क्वेश्चन तो मैं नहीं कराऊंगा रटे रटाए. क्यों? क्योंकि उससे कभी पता नहीं चलता. यू आर जस्ट ब्लफिंग योर सेल्फ, यू विल नेवर गेट टू रियलाइज कि क्या आपको कंसेप्ट आया है कि नहीं. क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आपके सब क्वेश्चन माइंड में है. आप कितनी भी कोशिश कर लें, अगर आपने एक बार वीडियो देख ली कहीं पे पास्ट ईयर की, या एक बार ओवरलुक भी कर लिया पास्ट ईयर को, जो कि मैं उम्मीद करता हूं काफी सारे लोगों ने कर लिया होगा, तो आपको पता ही है ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैं खुद बना रहा हूं ताकि आपको चैलेंज भी दे सकूं और आपकी तैयारी को भी बूस्ट कर सकूं. चलिए, लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. एज अ मेंबर ऑफ एन एलीट ऑर्गेनाइजेशन, ड्रेस रिक्वायरमेंट्स मे बी डिफरेंट इज बेस्ड ऑन सोशियोलॉजिकल मॉडल. ठीक है, पहला स्टेटमेंट मिल गया हमें. सेकेंड स्टेटमेंट, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट मॉडल इज अ सिंपल मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, in which the input for the customer is the firm's marketing effort, the product price, promotion and production. ठीक है, तो ये हमारे दो statements हैं. अभी अभी आपने जो model पढ़े हैं उसी के basis पे है. I'm sure you're gonna enjoy it questions, but सही तभी होंगे जब ये चारों मॉडल सही होंगे, क्लियरली समझ में आए होंगे, कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, तभी ये मॉडल होंगे, क्वेश्चन सही होंगे, वरना नहीं सही होने वाले. और इस चीज में अच्छी चीज मुझे क्या लगती है कि तुरंत आपने कोई मॉडल पढ़ा हुआ है, तुरंत मैंने आपको एक टॉपिक कराया, अगर उसके क्वेश्चन सही हो रहे हैं इसका मतलब एटलीस्ट वो मॉडल तो खत्म हो गया, वो मॉडल तो आ गया. चलो, लेट्स सी व्हाट आर द आंसर्स कमिंग अप. रमन हैज गिवन द आंसर, वन हैज करेक्ट. लेट्स सी व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी लोग क्या कहते हैं. रमन इज वेरी क्विक. शालिनी सेइंग वन, वेरी गुड. व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी लोग. आनंद इज सेइंग वन, गुड गोइंग. व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए. आई एम वेरी श्योर दैट यू आर गोइंग टू गिव मी द करेक्ट आंसर. इशिका इज सेइंग वन, अ लॉट ऑफ वन कमिंग अप, वेरी गुड, काफी अच्छे जा रहे हैं. लेट्स सी व्हाट आर द आंसर्स कमिंग अप, वेरी गुड. अरुणा इज सेइंग वन, फैंटास्टिक. स्वाति सेइंग वन, साक्षी सेइंग वन, प्रगति सेइंग वन, फैंटास्टिक, परफेक्ट परफेक्ट. काफी सारे आंसर्स वन के लिए आ रहे हैं, वेरी गुड परफेक्ट. तो आई थिंक सबने ही वन आंसर दिया है, दैट मीन्स आइदर एवरी वन इज करेक्ट
और एवरीवन इज इनकरेक्ट। आई थिंक थोड़ा सा अलग आंसर किरणदीप सिंह फोर्थ, किरणदीप फोर्थ कह रहे हैं। लेट्स सी थोड़ा सा आंसर, किरणदीप ने अपना आंसर बैकअप ले लिया है तो इसका मतलब आई थिंक गलत लिख दिया होगा गलती से। तो अ लॉट ऑफ आंसर्स कमिंग फॉर वन, साधना इज ऑल्सो सेइंग वन। देखो मुझे बड़ा मजा आता है, मतलब मुझे ना अपने क्वेश्चन बना के कराने में सच में बड़ा मजा आता है। उसका रीजन पता है क्या है कि जो क्वेश्चन होते हैं ना वो क्योंकि खुद से क्रिएट किए होते हैं तो बहुत डिटेल में जाके कंसेप्ट पढ़े होते हैं, तो फिर क्या होता है कि अगर स्टूडेंट्स थोड़ा भी गलती करता है तो आंसर तुरंत गलत हो जाता है। अब ध्यान से मेरे साथ पढ़ना। एज अ मेंबर ऑफ एन एलीट ऑर्गेनाइजेशन, अभी मैंने बताया दैट इफ यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी यू विल हैव टू परचेस, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा सेकेंड स्टेटमेंट को ना बहुत ध्यान से मेरे साथ दोबारा पढ़ना। इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट मॉडल इज अ सिंपल मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन विच द इनपुट फॉर द कस्टमर्स इन द फर्म्स मार्केटिंग एफर्ट इज प्रोडक्ट, ध्यान से आई होप यू आर रीडिंग विथ मी, प्राइस द सेकेंड वन, प्रमोशन द थर्ड। ये कहाँ से आ गया, मतलब फ्रॉम वेयर हैड दिस टर्म कम अप, ये प्रोडक्शन कब से आने लग गया फोर पीस ऑफ मार्केटिंग, मैंने तो कभी नहीं सुना। कोटला साहब ने नया निकाला है क्या ये भाई, ये प्लेस होगा ना, इट इज गोइंग टू बी प्लेस। ये मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन लिख दी और आपने कहा सर ये तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, हमें पूरा पढ़ने की क्या जरूरत है, हमें तो लाइन रटी हुई है प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन और प्लेस, ठीक है यही काम आप एग्जाम में करके आते हैं, ठीक है। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, देयरफॉर थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। देते रहिए वन आंसर, ये होता है जब आप रटे रटाए क्वेश्चन लगाने की आपको आदत होती है, ठीक है। अब आई थिंक आंसर बदल गए लोगों के, निक्की साधना नेहा नफीजा अरुणा, तो अब आंसर बदल गए, नाउ द आंसर हैज कम आउट टू बी थर्ड। बेटा ब्लंडर क्यों हो रहा है ये समझिए, ब्लंडर इसलिए हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन मैंने बनाए हुए, ठीक है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप चाहते हैं फॉलो करना प्लीज इसे फॉलो करिए, नहीं फॉलो करना चाहते आपकी मर्जी है। एक सिंपल सा लॉजिक याद रखिएगा, अगर मेरे कराए हुए क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना, एनटीए से ऊपर लेवल नहीं ले जा सकता, ये मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि वो इतना एफर्ट ही नहीं लगाते, इतना ज्यादा एफर्ट वो नहीं लगाने वाले कि वो सारी छोटी छोटी चीजें बारीकी से देखेंगे। इसीलिए मैं इस लेवल की तैयारी करा रहा हूं कि यहां इतनी गलतियां हो जाएं आपकी, इतनी मिस्टेक्स हो जाएं। लाइफ में कहते हैं ना कि सक्सेस से पहले बहुत बार फेलियर मिलते हैं, तो जो एक्सपीरियंसेस हैं ये आपको बहुत कुछ सिखा देंगे। अब आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ है ना, अब आप कभी भी मार्केटिंग में क्या करोगे, कभी भी रट्टे नहीं मारोगे कि नहीं यार चौथा तो प्रमोशन ही निकलने वाला है या प्लेस ही निकलने वाला है, यू आर गोइंग टू फोकस ऑन द रीडिंग। ये होता है इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, ठीक है। तो ये जो आंसर था ये आपका गलत हो गया, प्लीज आगे ध्यान रखिएगा। हाँ वो होता है प्रगति, दैट्स वेरी नॉर्मल, और वही तोड़ना है, यही जो आपका फ्लो है मुझे यही तोड़ना है, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि आप जाके एग्जाम में मैस अराउंड करके आए, ठीक है। यस एब्सोल्युटली, बट वो टूट जाएगा, डोंट वरी रमन, यहाँ प्रैक्टिस कर करके मैं वो आदत छुड़ा दूंगा आपकी। चलिए स्टेटमेंट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द परचेजिंग प्रोसेस एंड बिहेवियर आर गवर्न्ड बाय मोटिवेशनल फोर्सेस इन केस ऑफ इकोनॉमिक मॉडल, ठीक है, मोटिवेशनल फोर्सेस से गवर्न होता है। सेकंड स्टेटमेंट है द पोस्ट परचेज बिहेवियर ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड इज शोन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ योर ब्लैक बॉक्स मॉडल, ठीक है। चलिए दोनों स्टेटमेंट आपके सामने, यस परफेक्ट। चलो सेकंड क्वेश्चन है भाई, वो क्वेश्चन पसंद आया तो लाइक कर देना, ठीक है। लेट्स सी व्हाट आर द आंसर्स कमिंग अप, आप कम से कम धीरे धीरे पढ़िएगा, डोंट रश अप, रश मत करिएगा। Let's see what are the answers coming up. आराम से टाइम लीजिए, टेक योर टाइम, देन गिव मी द करेक्ट आंसर, डोंट वरी, टाइम ले लीजिए, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। Let's see, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अभी अभी मॉडल पढ़ाया है। निक्की सिंह फोर, नफीजा इज सेइंग फोर, अरुणा इज सेइंग फोर, किरणदीप इज सेइंग फोर, आनंद इज सेइंग फोर। दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। परचेजिंग प्रोसेस मॉडल एंड बिहेवियर आर गवर्न बाय मोटिवेशन फोर्सेज इन इकोनॉमिक मॉडल, भाई कहाँ से आ गया, मोटिवेशनल प्रोसेस कहाँ था, अभी पढ़ा था हमने, मोटिवेशनल प्रोसेस वॉज पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल मॉडल, ठीक है, जहाँ पे हमने अब्राहम मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी थी। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। द पोस्ट परचेज बिहेवियर ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड इज शोन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ ब्लैक बॉक्स मॉडल, बिल्कुल ठीक है। याद हो आपको, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो लास्ट सेगमेंट होता है
वो आइदर इट विल लीड टू परचेज और इट विल लीड टू नो परचेज और पोस्ट परचेज बिहेवियर भी आउटपुट या रिस्पॉन्स के टर्म्स में नजर आ जाएगा. ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, दैट इज इनकरेक्ट, बट द सेकंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इट इज गोइंग टू बी फोर्थ. आई थिंक मेजोरिटी ऑफ यू हैव गिवन फोर्थ एज द करेक्ट आंसर. परफेक्ट परफेक्ट राधिका, गुड गोइंग, चलो वंडरफुल, इसी तरीके से तैयारी करते रहिए. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. इन इकोनॉमिक मॉडल कंज्यूमर्स फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम यूटिलिटी बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ये आपका पहला स्टेटमेंट है इकोनॉमिक मॉडल का. सेकेंड स्टेटमेंट इज व्हेन मोर इनकम इज अर्नड मोर मनी इज अवेलेबल लेस विल बी द क्वांटिटी परचेज इज अ क्लियर एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक मॉडल. ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट्स मिल गए हमें. चलिए जल्दी से जवाब दीजिए. यस, गुड गोइंग साधना, फैंटास्टिक. काफी सारे लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, दे आर रीडिंग इट वेरी नाइसली. तो एक क्वेश्चन में ही अकल ठिकाने आ गई या फिर हम कहें माइंड अलर्ट हो गया. दैट्स वेरी गुड सिंबल, आई थिंक बहुत ही अच्छा सिंबल है ये. लेट्स सी अब क्या आंसर्स आते हैं. दिस इज द थर्ड स्टेटमेंट और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो assertion reasoning question है ना, ये सबसे अच्छे तरीका है आपको प्रिपेयर कराने का. क्यों? क्योंकि उससे डिफिकल्ट तो कुछ आ ही नहीं सकता ना. assertion reasoning question कर ले रहे हैं फिर तो कुछ भी हो जाएगा. ठीक है, लेट्स सी व्हाट कम्स अस द नेक्स्ट आंसर. लेट्स सी व्हाट आर द आंसर्स कमिंग अप. निक्की सेइंग थर्ड, इंद्रजीत इज सेइंग थर्ड, अ लॉट ऑफ आंसर्स Twingling up for third. Income economic model, consumer is based on maximum utility, law of diminishing marginality. कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट. इनकम ज्यादा है तो लेस थोड़े ना परचेज करेंगे, वे गोइंग टू परचेज मोर. और ध्यान रखिएगा वहां मत चले जाइएगा, इट इज द क्वेश्चन फ्रॉम मार्केटिंग. तो इकोनॉमिक्स वाले लाइन में मत चले जाइएगा कि सर अब तो इनकम इफेक्ट के बारे में बात हो रही है तो अब नॉर्मल गुड क्यों नहीं आ रहा. हम यहाँ कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं बात कर रहे कि आप टाइप्स ऑफ गुड्स ले आए यहाँ पे. ठीक है, इन जनरल बात हो रही है कि अगर पैसा ज्यादा है तो खरीदारी ज्यादा होगी. ठीक है, वो होता नहीं कि आपको 10,000 रुपए दे दो तो 10,000 रुपए की शॉपिंग कराएंगे, 15,000 रुपए दे दो तो 15,000 रुपए की शॉपिंग कराएंगे. वो वाली कंसेप्ट के बारे में बात हो रही है. तो पहला सही है बट द सेकंड इज इनकरेक्ट एंड देयरफॉर द आंसर इज गोइंग टू बी थर्ड. थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. परफेक्ट, वेरी गुड गोइंग साधना, आनंद, अरुणा, गुड गोइंग, गुड गोइंग विद द कंसेप्ट. चलो लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं. ब्लैक बॉक्स मॉडल इग्नोर्स ऑल अदर एस्पेक्ट्स सच एज परसेप्शन, मोटिवेशन, लर्निंग, एटीट्यूड, पर्सनालिटी एंड सोशियो कल्चरल फैक्टर्स. पहला स्टेटमेंट है आपका, प्लीज ध्यान से पढ़िएगा. सेकेंड स्टेटमेंट, री इन्फोर्समेंट लीड्स टू अ पर्सन टू बाय से क्लोदिंग व्हेन ही पासेस बाय अ शोरूम एंड इज अट्रैक्टेड बाय द डिस्प्ले ऑफ क्लोदिंग, देयर कलर, स्टाइल, विच एक्ट एज अ स्टिमुलेट, ही मेक्स अ परचेज. ठीक है, सिंपल सा स्टेटमेंट है. री इन्फोर्समेंट के बारे में बात हो रही है. अभी एक छोटा सा एग्जांपल दिया था मैंने छोटे बच्चों का, अभी आपको हिंट दे दिया है दोबारा से ताकि आप गलती ना करें. हिंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी छोटे छोटे इनिशियल लेवल्स पे आई एम गिविंग यू हिंट, एज वी मूव फॉरवर्ड हिंट देना बंद कर दूंगा मैं जब मुझे लगेगा कि आप अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं. सो दीज आर द टू स्टेटमेंट्स. आराम से पढ़िए, टेक योर टाइम एंड गिव मी द करेक्ट आंसर. व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस स्टेटमेंट. ब्लैक बॉक्स मॉडल आपने पढ़ा हुआ है और आपको बाकी सारे एलिमेंट्स भी पता है. Let's see what are the answers coming up. और मैं आपको बता दूं, जो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करता रहेगा वही जीआरएफ लेके जाएगा. बिकॉज अगर आपने बीच में तैयारी छोड़ दी कि नहीं यार अब नहीं पढ़ने का मन कर रहा, जो कि बहुत होता है नॉर्मली स्टूडेंट्स के साथ, बहुत थक गए, बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं. ब्रेक ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ब्रेक एक दिन, डेढ़ दिन, दो दिन मैक्सिमम. ये नहीं 15 दिन पढ़ाई करी और 15 दिन छुट्टी पे चले गए कि चलो स्पीति वैली घूम के आते हैं या मनाली घूम के आते हैं. ये नहीं करना है. टाइम कम है, मार्च खत्म होने वाला है, अप्रैल मई जून सेकंड वीक में एग्जाम होंगे आपके, ये ध्यान रखिएगा. फॉर्म अप्रैल फर्स्ट वीक में या फिर सेकंड वीक में आ जाएगा मैक्सिमम. ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर होना चाहिए. अलॉट ऑफ आंसर्स आर कमिंग फॉर फोर. ब्लैक बॉक्स इग्नोर्स ये फैक्टर, भाई नहीं इग्नोर करता ब्लैक बॉक्स, गलत हो गया स्टेटमेंट. री इन्फोर्समेंट लीड्स टू अ पर्सन, बिल्कुल ठीक है. अभी मैंने बताया था एक बच्चा जो है वो अगर जाता है शॉपिंग मॉल में, उसको दिखता है कि नीचे टॉयज पड़े हुए हैं, चॉकलेट पड़े हुए हैं, वो उठा लेता है और वो स्टिमुलेट हो जाता है. ठीक है, परफेक्ट. तो जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा. देयरफॉर द आंसर इज गोइंग टू बी फोर्थ. फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर. सो दैट इज द आंसर. आई होप एवरीबडी हैज गिवन, अ लॉट ऑफ यू इन फैक्ट हैज गिवन दिस एज द करेक्ट आंसर. चलो लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन फॉर टुडे. आज का पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं.
परफेक्ट परफेक्ट आनंद, इंटरनल फैक्टर्स के अंदर वो सारे फैक्टर्स कवर हो जाते हैं. अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल साइंटिस्ट इज नॉट कंप्लीट अज्यूम्स द होमोजेनिटी ऑफ द मार्केट सिमिलैरिटी ऑफ बायर बिहेवियर इन केस ऑफ इकोनॉमिक मॉडल. तो बिहेवियरिस्ट साइंटिस्ट जो कहते हैं कि भाई ये जो मॉडल है ये कंप्लीट नहीं है. क्यों नहीं कंप्लीट है? क्योंकि ये कहता है कि भाई मार्केट तो होमोजेनस है, मतलब हर इंसान जो है वो इकोनॉमिक मॉडल के हिसाब से अपने कंज्यूमर्स के प्रोडक्ट डिमांड करेगा, दे आर गोइंग टू डिमांड प्रोडक्ट एंड इस मॉडल के बेसिस पे वर्क करने वाला है. सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? प्राइमरी ग्रुप ऑफ फैमिली फ्रेंड्स एंड क्लोज एसोसिएट्स एग्जर्ट अ लॉट ऑफ प्रेशर और इन्फ्लुएंस ऑन बाइंग इन प्लेस ऑफ साइकोलॉजिकल मॉडल. ठीक है, लेट्स सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर. लास्ट क्वेश्चन है आज का मॉडल्स पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तभी क्वेश्चन सही होंगे, वरना नहीं सही होने वाले. ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. लेट्स सी कौन इसका सही जवाब देता है. और आई कैन फील दैट वाइब where the students have become very cautious in reading. एक बार नहीं दो बार रीड कर रहे हैं. तो आइडियली जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो रहा है मेरा, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी स्लो इनिशियली ताकि आपको क्वेश्चन ठीक से पढ़ने की आदत डल जाए. एक बार आदत डल गई, एक बार प्रैक्टिस होना शुरू हो गई तो आप ऑटोमेटिकली स्पीड पकड़ लेंगे. ठीक है, वो नॉर्मली हो जाएगा. ठीक है, लेट्स सी व्हाट आर द आंसर्स कमिंग अप. कुछ लोग फोर्थ कह रहे हैं, कुछ लोग थर्ड कह रहे हैं, थोड़ा सा मिक्स आंसर्स आते हुए. लेट्स रीड देम अप. According to behavioral scientists, it's not complete, assumes the homogeneity of the market, similarity of buyer in the case of economic model. बिल्कुल ठीक है, it's not complete. Why? Because there are going to be internal factors which are going to make an impact. तो पहला statement जो है वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है. Primary groups of family, friends and close associates exert a lot of influence on his buying in case of psychological model. भाई ये गलत है. क्यों? This is going to be sociological model. प्राइमरी ग्रुप्स ऑफ फैमिली फ्रेंड्स के बारे में बात हो रही है, सोशियोलॉजी सोसाइटी के लोगों के बारे में बात हो रही है, तो सोशियोलॉजिकल मॉडल हो जाएगा. तो क्या हो गया? फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, व्हाइल द सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड देयरफॉर द आंसर इज गोइंग टू बी थर्ड. थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, आई थिंक मेजोरिटी ऑफ यू हैव गिवन थर्ड इज द करेक्ट आंसर. परफेक्ट, सो थर्ड इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो आई थिंक जितने भी स्टूडेंट अटेंड कर रहे हैं वो पूरा अटेंड कर रहे हैं सेशन. आई थिंक वो बहुत अच्छी बात है. और मैं आपसे यही अर्ज करूंगा कि प्लीज़ अपने फीडबैक दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ सेशन को शेयर करिए, बताइए उन्हें इस तरीके से हम इस अप्रोच से पढ़ाई कर रहे हैं. बिकॉज अगर आप लोग ये समझ पा रहे हैं कि हाँ टॉपिक के बाद क्वेश्चन करने से कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा आ रही है, देन वाई आर यू नॉट शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स? आई डोंट नो. या क्यों स्टूडेंट्स ज़्यादा मात्रा में आके अटेंड नहीं कर रहे हैं? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट. तो बिकॉज ये फिर एक क्वेश्चन क्या हो जाता है कि फिर कुछ स्टूडेंट्स जब कॉल करते हैं तो दे आर लाइक सर आप क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे. तो देयरफॉर आई वांट कि आपका फीडबैक आता रहे. दैट्स ओके प्रगति, कोई बात नहीं. देखिए सब सेशंस आपके सब लर्निंग के लिए, लर्निंग एक्सपीरियंस लीजिए, अच्छे से सीखिए, वो हेल्प करेगा लाइफ में, करियर में. जैसे रमन ने कहा, आई एम श्योर जो स्टूडेंट यहाँ से जब निकल जाते हैं, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, जब नेट एग्जाम क्लियर हो जाता है ना और जब जॉब में जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं या इंटरव्यू के लिए जाते हैं पीएचडी के, तब रियलाइज होता है कि यार सर तो बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, हमने उस समय तो सर की बात सुनी नहीं. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं जो बाद में कॉल करते हैं कि सर अब पता चल रहा है कि नेट तो ऐसे ही तुक्का मार के निकल गया, उस टाइम तो हमने मेहनत करी नहीं, पढ़ाई करी नहीं, अब ना जॉब लग रही है, अब ना सर ना पीएचडी में एडमिशन हो रहा है, बताइए क्या करें. और तब क्या होता है, टाइम निकल चुका होता है, एज हो चुकी होती है, एमकॉम मास्टर्स खत्म हो चुकी होती है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है. तो उस टाइम पे क्या होता है, कुछ भी बता लूँ मैं, एफर्ट उतना कंसिस्टेंसी नहीं आती, उतना पेशेंस नहीं आता, बिकॉज आप अपने आसपास देख रहे होते हैं कि यार सब लोग तो जॉब कर रहे हैं. तो ये ध्यान रखिए कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है लाइफ में और क्या चीज को थोड़ी देर के लिए छोड़ा जा सकता है, दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलो थैंक यू सो मच साक्षी. स्कोर जरूर बता दीजिए सारे लोग अपना. 3/5 गुड गोइंग साक्षी, इंप्रूव हो सकता है. रमन यू डूइंग फंटास्टिक. इशिका 4/5 आई वॉन्ट इट टू बी कन्वर्टेड टू 5. ये जितने भी 3-4 वाले बच्चे हैं मुझे 5 में कन्वर्जन चाहिए. ठीक है, निकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आते, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आते, एक दो क्वेश्चन बाउंसर्स मिल गए तो अलग बात है, वरना क्योंकि कैलकुलेटर नहीं अलाउड है और स्टैटिस्टिक्स में मेजॉरिटी जो कैलकुलेशन है उसमें अंडर रूट का इस्तेमाल होता है, चाहे आप स्टैंडर्ड एरर निकाल लीजिए या फिर आप और कुछ वैल्यूज निकाल लीजिए, वहां पे मेजॉरिटी जगह पे या तो टेबल वैल्यू चाहिए होगी आपको टी टेस्ट या जेड टेस्ट वैल्यू निकालने के लिए, या फिर आपको अंडर रूट चाहिए होगा जिसकी वजह से कैलकुलेशन नहीं आती. बट हाँ, जो बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाले जा सकते हैं वो प्लीज पढ़ के जाइएगा, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और देखते हैं क्या स्कोर है. इंद्रजीत सिंह 3, नेहा सिंह 3,
थैंक यू सो मच स्वाति, 4/5 इज गुड गोइंग। नफीजा 4/5 फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन में गलती हुई है, बाकी सब आपने सही किया है। थैंक यू सो मच अरुणा फॉर दैट ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट, इट रियली मीन्स अ लॉट। चलो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, आई थिंक काफी अच्छा चल रहा है, इसी तरीके से पढ़ते रहेगा। और भूलिए मत, बता दूं मैं आपको, अपडेट दे दूं, कल हमारा एक स्पेशल सेशन है, ठीक है। स्पेशल सेशन क्यों है मैं आपको बता दूं, टुमारो वी हैव अ मेगा सेशन, ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, अभी ये सेशन खत्म होने के बाद देख लीजिएगा। देयर इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ अ रियलिटी चेक, एक रियलिटी चेक होने वाला है, मेगा सेशन, 30 क्वेश्चंस ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड, 30 क्वेश्चंस ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड। प्लीज अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, चैनल ऑलरेडी बन चुका है, इट्स ऑलरेडी क्रिएटेड, टुमारो वी आर गोइंग टू हैव दैट सेशन, प्लीज उसको अटेंड जरूर करिएगा। 30 क्वेश्चन करेंगे, आई एम नॉट गोना स्पेंड टाइम इन एक्सप्लेनिंग एनीथिंग, 30 क्वेश्चन करेंगे ये देखने के लिए कि अभी तक आपका क्या स्टैंडर्ड है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड की तैयारी कहां तक पहुंची है, स्टैटिस्टिक्स की तैयारी कहां तक पहुंची है, ये देखने के लिए कल सेशन होने वाला है, प्लीज उसको अटेंड जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच शालिनी, दैट रियली मीन्स अ लॉट, गुड गोइंग। चलो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच अंशु, दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, कल मिलेंगे 7 बजे 30 क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन के साथ फ्रॉम द टॉपिक रिसर्च एप्टीट्यूड। थोड़ा पढ़ के आना, मेरे क्वेश्चन हैं तो आसानी से तो नहीं होने वाले हैं, ठीक है, बट पढ़ के आएंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके आएंगे तो सवाल हो जाएंगे, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस, कीप स्टडीइंग एवरीवन।